Terima kasih telah menonton! राम चंद्र भगवान की जय हो पवन पुत्र हनुमान की जय हो जय हो तैतीस करोड़ देवी देवताओं की हेलो एवरीवन कैसे हो आप सभी होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ थैंक यू सो मच आप मुझे इतना वॉच कर रहे हो मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर रहे हो आप मेरे वीडियोस को और थैंक यू सो मच मुझे पूरा पूरा वॉच करने के लिए ऐसे ही आगे भी सपोर्ट बनाए रखनेगा रखिएगा आज जो है मेरा ब्लॉग तो चल ही रहा है साथ साथ लेकिन मैं जिसका मुद्दा लेकर बैठी हूँ जिसका टॉपिक चल रहा है उसके बारे में बोलूँगी और मेरा ब्लॉग जो डेली रूटीन डेली ब्लॉग में डालती हूँ वही आपके साथ जो है चल रहा है और बने रहिए आज मैं कपड़े धो रही हूँ तो बहुत सारे कपड़े हैं वो धो रही हूँ और भी जो जो काम करूँगी वो सब आपके साथ जो है चलता रहेगा और जो मेरी बातें हैं वो रखना चाहती हूँ ये लेडीज़ इस लेडीज के बारे में मैंने बताया कि मैं हमारे पास इसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं और इसकी दोनों बेटियों की मेरे पास रिकॉर्डिंग है और इसकी छोटी वाली बेटी से जितनी मैंने कुचील में बात करी उन सारी बातों की रिकॉर्डिंग है उसमें वो ये चीज कबूल रही है कि ये ऐसे कर रही थी वैसे कर रही थी ऐसे कर रही थी इसके साथ क्या क्या इस, इसकी माँ ने इसके साथ किया है और इसकी बड़ी वाली बेटी और जवाई की भी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है जिसमें और इसकी खुद की रिकॉर्डिंग मौजूद है जिसमें ये बदतमीज तरीके से बात कर रही है उसके बाद में ये इसने अट्ठारह मिसकॉल मम्मी को कराया मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया इसने इसने मेरे भाई को फ़ोन करवाया अलग अलग नंबरों से और कई लोगों के नंबर ये मेरी बहन के पास भी गई थी गई थी कि आप फोन करवाया इसने मेरी बहन जो है ना भुआई जी की लड़की रेखा जी जी वहाँ पर भी इसने फोन करे हैं तो उन्होंने तो बोल दिया साफ साफ बोल दिया वो तो जो जानते हैं भाई मेरी मम्मी का रिश्ता पहले है मेरी मम्मी की ननद की लड़की है वो मेरी मम्मी मामी लगती है उनकी तो वो जानती है कि मामी कैसी है और क्या है है ना और हम भी जानते हैं कि रेखा जी जी कैसी और क्या है तो वहां से उसको जवाब जो है वो मिला और करारा ही जवाब मिला तो ये लेडीज है ही इसी लायक है ना ये लेडीज है ही इसी लायक और इसको सब कोई जानते हैं क्योंकि जो मेरी दीदी का ससुराल है ना मेरी जीजी का वो भी सीतापुरा है और इसका भी सीतापुरा है तो सब जानते हैं कौन कैसी कैसी है ये है ना यहाँ जो वेट लॉस में मैं सिया सीड्स खाती हूँ ना तो वही मैं खा रही हूँ ये बहुत ही अच्छी रामबाण इलाज है सिया सीड्स को आप पानी में भिगो दीजिए दो घंटे और फिर खाइए और ये जूस में पीती हूँ क्योंकि मुझे डायबिटीज है ना इस वजह से मैं ये जूस पीती हूँ और चलिए आगे बढ़ते हैं ये लेडीज कुचील में छः-छः दिन नहाती नहीं थी है भाई आप विश्वास करोगे कभी है ना तीन दिन निकल जाते थे कभी चार दिन कभी पांच दिन कभी छह छह दिन यह नाती नहीं थी छह छह दिन तक ये साड़ी भी चेंज नहीं करती थी इसकी साड़ी नीचे है ना पतलियों के किनारे काली हो जाती थी पूरी साड़ी काली काली हो जाती थी फिर मेरी मम्मी को इसके शरीर में से दूर से ही बदबू आती थी फिर मेरी मम्मी बोलती थी भाई कपड़े तो बदल ले कम से कम हाथ पैर धो के कपड़े तो बदल ले आस के लोग ही क्या बोलेंगे क्या कपड़े नहीं है क्या तेरे पास तू नाती दो तीन है दिन भर पड़ी रहती सुबह से शाम तक इतनी ठोक के इसकी साड़ियां पनीरती थी लेकिन ये साड़ी 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 भिकारण मंगती और इसने फिर है ना एक रिकॉर्डिंग ये कुचिल गई ठीक है ये कुचिल गई तो वहां थाने में जैसे ही मेरी बात हुई वहां से वो लोग रवाना हुए पांच छह जने और एक लेडीज पुलिस वहां से रवाना हुई इसको गिरफ्तार ग्राफ, करने के लिए तो ये वहां से भगली गायब हो गई वहां से और ये एक सर है हेडमास्टर उन सर को लेके पहले इसने बातचीत करी उन सर को लेके ये मेरे भाई के पास दुकान में गई गिड़ वहां पर मेरी मम्मी के पैरों में पड़ी मुझे माफ कर दो मम्मी को बोलती है सत्य इसका बेटा बोलता है सत्य अरे काय का सत्यराम तुम सत्यराम करने लायक हो तेरी औकात नकटी तू वहां चली गई तू घूंगा तो गजबर लंबा निकालती है तेरे काम ऐसे घूंगटा निकालने से क्या होता है घूंगटा निकाल के तू काम ऐसे करती है दूसरे छोड़ आदमियों से तू फोनों पर बातें करती थी पता नहीं एक आदमी था गई तो मैं बताती हूँ बात ये है ना पहले है ना ये इसका फोन तोड़ा क्यों तोड़ा इसका पहला फोन मैं बताती हूँ आपको ये कोई शंभू शंभू मैं नहीं जानती कहाँ का है कौन है कहाँ का रहने वाला है हमारे समाज का है कि नहीं है स्वामी दादूपंथी है कि नहीं है कहाँ का है क्या काम करता है कौन से गांव का है मैं नहीं जानती लेकिन आ, नाम पता है मुझे कि शंबु शंभू नामक आदमी से ये बात करती थी सॉरी भाई साहब आप जो भी हैं मैं आपसे माफी चाहती हूँ मुझे आपका नाम लेना पड़ रहा है अगर मैं नाम नहीं लूंगी तो लोगों को कैसे पता चलेगा तो मुझे आपका नाम लेना मैं नहीं जानती आपके बारे में आप अच्छे हो कि गलत हो कि क्या हो क्या पता आप बहुत अच्छे आदमी हो है ना ये लेडीज ही खराब है क्योंकि फंसाती है लोगों को तो सॉरी मैं आपका नाम ले रही हूँ मैं आपसे पहले से ही माफी मांग रही हूं अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मुझे नहीं पता आप देखते हो नहीं देखते हो आप कहाँ से हो कौन से, कौन से गांव से हो कौन हो मुझे नहीं पता है ना तो ये लेडीज एक शम्बू शम्बू नाम के व्यक्ति से बात कर, करती थी रोज डेली फोन पर अब मेरे भाई ने देख लिया एक दिन हो गया दो दिन हो गए ये मान नहीं रही है रोज फोन लगा रही घंटों तक बातें करती थी तो मेरे भाई ने इसका फोन हाथ में से छीन के ऊपर से फेंका नीचे भाई जब तू तू यहाँ दादू दूसरे व्यक्ति से बात क्यों कर रही है पर पुरुष से बात क्यों कर रही है यानी तू चरित्रहीन है चरित्रहीन चरित औरतें ही मतलब एक के रहते हुए दूसरे से बात करती चरित्रहीन औरतें ही करती है ऐसा काम है ना तो यानी तू है ऐसी फिर उसके बाद क्या हुआ फिर इसको मेरे एक नाना जी का फोन था छोटा सा छोटा सा फोन था वो मेरे भाई ने क्या करा फिर इसने माफी मांगी पैरों में पड़ गई मेरे भाई के अब नहीं करूंगी बात अब नहीं करूंगी इसने सोगन खा ली बेटे की है ना इसने ली अपने बेटियों की फिर मेरे भाई ने एक छोटा सा फोन दिया जो मेरे नाना जी का था जो मेरे मामा जी ने लाके मेरे नाना जी को दिया था वो फोन शायद ठीक करवा के दिया वो खराब हो चुका था फिर मेरे नाना जी वाली सिम इसको दी और इसके फोन में डाली भाई ये इसके परिवार में बात करे तो कोई बात नहीं चल गाइस खांसी आ रही, तो इसने क्या करा ये अपनी बेटी को पांच लाख रुपए में बेचने का सौदा करने लग गई एक बात बताओ ये दादू द्वारे में आ गई और हम ऐसे बेटी बेचने देंगे किसी को है ये धंधा कर रही है दलाली कर रही है बेटी की दलाली बेटी को बेच के पैसे खाएगी पांच लाख रुपए में ये सौदा कर ली बेटी का मेरे भाई को पता चला तो इसका फोन फिर से छीन लिया इसका फोन छीन लिया तो इसने क्या करा आस पड़ोस वालों को मम्मी ने सुन लिया ये आस पड़ोस वालों को हमारे सामने रहते हैं हमारे पहला दुईया की वाइफ है उनको ये शिकायत कर रही थी खड़ी होके ये और इसकी बेटी के फोन नहीं देते हैं हमें बात नहीं करने देते हैं तो मेरी मम्मी ने सुन ली ये बात मेरी मम्मी ने सुन ली तो अंदर ये आई जब बोला बोले यार तू आस पड़ोस में बुराई कर रही ये नहीं बता रही है उनसे फोन ले, ले, ले इधर उधर अब ये बेटी को एक बात बताओ ये बेच दे तो हमारा तो कालामो हो गया ना ये किसी को बेटी को बेच दे तो बेटी को बेचते हैं अपन कन्या कन्या का दान महान दान होता है कन्यादान करना ये बेटी को बेच रही मेरे भाई ने कह दिया भाई मेरे पास जितना होगा उतना मैं कर दूंगा भाई जितना मेरे पास होगी क्षमता होगी जितना मैं कर दूंगा क्योंकि गाइज वहां पर दादू द्वारे में खेती तो है सो बीघा मेरे नाना जी की है ना सो बीघा ही है शायद मुझे याद नहीं है तीन जगह है तो मुझे जोड़ के मुझे पता नहीं है और मेरे भाई की इलेक्ट्रॉनिक शॉप है तो उससे क्या है वो राशन पानी वो और बिजली का बिल और अपने मोबाइल के चार्ज और नल बिजली का बिल ये भर लेता है वो उसका काम चला लेता है उसका काम चल जाता है वो उसका खर्चा चला लेता है वहां से जो कमाई होती है बाकी नींबू अगर बाघा लगा, लगा रखा है तो उसमें क्या है अभी नींबू को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है उनकी देखभाल करने की जरूरत है जब जाके पांच साल में उनके नींबू आने शुरू होते हैं है ना ये सब आप भी जानते होंगे जो भी खेती करने वाले हैं तो अभी तो तीन साल ही हुए हैं नींबू अभी दो साल अभी आएंगे नहीं तो वो तो केयर मांग रहा है अभी नींबूओ का भाग है ना खेती में इतना कुछ है ही नहीं अभी तो मेरे भाई का, का काम जो है ये इलेक्ट्रॉनिक से ही उनके घर का जो दूध दूध लेना परचूनी सामान मम्मी की दवाई गोली मम्मी का भी इलाज चल रहा है मम्मी को भी शुगर है थायराइड है थारॉइड नहीं है हाँ बीपी है मम्मी को मम्मी के घुटने में प्रॉब्लम है मम्मी के घुटने दर्द होते हैं कभी क्या होता है कभी क्या होता है कभी क्या तो कभी आँख का चश्मा बनवाना है कभी क्या करना है मेरे भाई को भी अभी छाती में दर्द हो गया था तो उसकी भी दो तीन तीन चार बार उसकी जाँचें हुई सब तरह की और उसके भी दवाया चल रही है वो भी बीमार था है ना बीमारी की हालत में है ना ये ये लेडीज़ है ना मेरे भाई को छोड़ के और भग गई थी है। किसी पर पुरुष के घर पे पांच दिन तक पड़ी रही है और बताया नहीं ना उनके घर वालों ने बताया ना इसने बताया फोन करके मेरे पास व्हाट्सएप की चैटिंग है जिस बंदे ने ये बोला ना कि ऑटो लेके वो जा चुके हैं मेरे पास केवल आरती है मेरे पास व्हाट्सएप की चैटिंग मौजूद है मौजूद है मेरे पास आप चाहोगे तो मैं अपलोड कर दूंगी अगर आपको सबूत चाहिए तो मैं अपलोड कर दूंगी मेरे से झूठ बोला गया और हमने फोन करे ना जब मेरा भाई बैठा हुआ था सड़क पे हमने फोन करे मेरा भाई वेट कर रहा था इतने फोन लगाए गाइज इतने फोन लगाए मेरी मम्मी के फोन से मेरे भाई के फोन से मेरे फोन से है ना मेरे हस्बैंड ने बोला मैं बिजी हूं दुकान पर तू कर ले फोन सबके स्विच ऑफ फोन के दो तो लड़कों को फोन किया मैंने एक जेंट्स को फोन किया मैंने तीनों के फोन तीन के नंबर थे मेरे पास तीनों के फोन है ना बंद आ रहे थे कंटिन्यू बंद 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 अब आप बताइए मुझे बताइए दाल में काला दाल दाल ही पूरी काली बाद में हमें पता चला कि ये लोग होटल में रुके हैं और होटल में इन्होंने खाना वाना खाया है और फिर ये सब जने सदरपुरा वहां पर गए जो हमारा गांव है गांव में बालाजी है ना हमारे बालाजी के ढोक देते हुए डिग्गी कल्याण का नाम लेते हुए डिग्गी कल्याण गए क्योंकि वहां पे पास में पड़ता है क्योंकि ये लेडीज सीतापुरा की है फिर ये किसी गांव में पांच दिन तक रुकी पांच दिन तक ये वहां पर रुकी है ना उस गांव में ये पांच दिन तक रुकी जो बताया नहीं गया वहां आस पास के क्षेत्र में ही वो गाँव है और ये है ना हमारे बालाजी के दर्शन करती हुए डिग्गी कल्याण होती हुई और ये उस गांव में रुकी और फिर बाद में लास्ट में ये वहां सीतापुरा इसके गांव गई ऐसी है। और ये ये जिस दिन ये रात में उस गांव में उतरे ना हमारे पास उसी टाइम जो है वीडियो आ गया था ये जिसमें बैठ के गए थे जिसमें से उतर रहे थे ना उसका वीडियो सबूत के तौर पर मेरे पास मौजूद है अभी ये गाड़ी में से उतर रहे हैं सारे जने और लेटरिंग बाथरूम की तरफ जा रहे हैं सारे जने ये इस बात का सबूत है ये लेटरिंग में जा रही है बाथरूम करने के लिए वो वीडियो हमारे पास मौजूद है अभी भी ये इस चीज का सबूत है कि हाँ ये उसी गांव में पांच छह दिन थी ये लेडीज इतनी खराब है इतनी खराब है ये पांच लाख में अपनी बेटी को बेच रही थी पांच लाख में न ना नहाती धोती है बिना नहाए धोए मंदिर में चली गई है ये दादू मंदिर में बिना नहाए धोए पीरियड सारे तो इसका टाइम आ रहा था गाइड पीरियड पीरियड से है। हो रखी थी ये आप लेडीज हो आप सबको पता होगा पीरियड्स क्या होता है टाइम क्या होता है ये बोलने में मुझे शर्म आ रही है पर इसको करने में शर्म नहीं आई ये पीरियड्स में दादू द्वारा मंदिर में अंदर चली गई है मेरी मम्मी ने टोका तो इसने जाके योगेश को शिकायत करी मेरी मम्मी ने इसको टोका बेटे को तो मम्मी क्या बोले बेटे से तो शर्म आती है पीरियड्स और इनके बारे में माँ थोड़ी बोलेगी ये तो एक औरत में संस्कार नाम की चीज होनी चाहिए क्या संस्कार सिक्के इसको बनाना खाना रहना इसको कोई ढंग नहीं इसको बस घूंघट निकाल के और बैठ जाएगी बस और कुछ हो जाएगा तो रो रो के दहाड़े मारती है ये माँ बेटी दोनों की दोनों माँ भी और बेटी भी जरा सा कुछ बोल दो ना रो रो के दहाड़े मारेगी पूरी गली में सुनाएगी भाई जैसे इसको मार रहे पीट रहे हो भयंकर वाला इतनी औरत खराब है ये इतनी औरत खराब है ये और लास्ट में मैंने वो रिकॉर्डिंग लगाई है गए रिकॉर्डिंग मैंने आधी ही लगाई है क्योंकि आधी आधी रिकॉर्डिंग देखो हम तो एडिटर है मैं वीडियो एडिट भी करती हूँ वीडियो बनाती भी हूँ मैं सब कुछ करना जानती हूँ तो मैंने उस रिकॉर्डिंग को आधा काट दिया है वहां से इसलिए काट दिया है कि मैं बदनाम नहीं करने चाहती है जिसके बारे में बात कर रही है मैं उनका उनको बदनाम नहीं करना चाहती इसने बहुत कुछ बोला है उनके बारे में बहुत कुछ बोला है पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है मैं बदनाम नहीं करना चाहती है ना इसलिए मैंने केवल नाम ही मेंशन किया है जो आगे आगे की रिकॉर्डिंग वो भी मेरे को वो भी बीच में आ रही है तो करना ही पड़ा वो उनका नाम बीच में आ रहा है तो करना ही पड़ा क्योंकि आधी रिकॉर्डिंग काट सकती हूँ मैं बीच में से कट कैसे लगाऊ है ना क्योंकि वीडियो तो रिकॉर्ड कर रही हूँ ना मैं क्योंकि ये मेरे फोन में इस वाले में तो है नहीं दूसरे फोन के उस नंबर में सेव था तो ये क्या है ऑडियो रिकॉर्डिंग इसी तरीके से एक फोन से दूसरे फोन में ली जाती है क्योंकि मैं एडिट करूंगी है ना आप समझ नहीं पाओगे जो मैं बोल रही हूँ वो चीज आप समझ नहीं पाओगे क्योंकि हम एक ऐप के द्वारा हमारे वीडियो को एडिट करते हैं तो मुझे इसमें इसने मेरे भाई की पत्नी मुझे बना दिया और मेरी मम्मी को बना दिया इसकी लैंग्वेज सुनो आप ये कितना बदतमीज तरीके से बात कर रही है इसकी लैंग्वेज सुनो आप इससे आपको पता चल जाएगा कि यह औरत कैसी है यह किसी की सगी नहीं है जिस व्यक्ति का यह नाम ले रही है ना उसने हो सकता है इसका भविष्य बनाने के लिए समझाने के लिए फोन किया होगा कि भाई तू सुधर जा तू सुधर जा दादू द्वारे को दिमाग में से निकाल दे और उनको जीने दे अपने हाल में मस्त रहने दे ये बड़ा चढ़ा के दो की चार लगा के इसने इतने गलत गलत शब्दों का प्रयोग किया है और कम से कम भी अभी तो आधी रिकॉर्डिंग ही है आधी रिकॉर्डिंग जिसके बारे में ये बोल रही है मेरे ससुराल पक्ष के वो व्यक्ति है तो आधी में नाम भी नहीं मेंशन करना चाहती हूँ तो वो उसके उन्हीं के बारे में सारी बातें बता रही है है ना वो रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है है ना तो आप मुझे बताइए ये उसकी भी सगी नहीं है जो इसको समझा रहा था ये उसकी भी सगी नहीं है सोचिए आप जबकि वो बंदा जब मेरी मम्मी से बात करता है ना तो सत्यराम माताजी इस तरीके से बात करता है है ना वो बंदा इस तरीके से बात करता है और मैंने कभी गलत मैंने कभी सुना नहीं उनके बारे में खैर तो मुझे पता है क्योंकि देखिए ऐसा है कि जो है वही फैक्ट है जो मैं बोल रही हूँ जो मैं बेधड़क बोलूंगी मैं झूठ क्यों बोलू क्योंकि हमारा कभी कोई गलत किया ही नहीं तो मैं क्यों बोलूंगी है ना और हमारा हमको कभी गलत बोला नहीं ना मेरी मम्मी से कभी बात करी है तो ना गलत बात करी है है ना माता जी बोल के ही संबोधित करते हैं है ना न मैं न मैं मेरे मे, मेर से भी कभी इस लहजे में कभी बात करी नहीं तो मैं क्यों बोलूं है ना किसी के लिए मैं क्यों गलत बोलूं हो सकता है ये लेडीज दो की चार लगा के नाम बदनाम करना चाहती हो कि है ना ये नाम बदनाम हो जाए है ना हो सकता है ये हमें भड़का रही है बरगला रही है उल्टा सीधा इसलिए बोल रही इसके दिमाग में क्या फितूर है इसके दिमाग में क्या चल रहा है ये किसी को पता नहीं है क्योंकि ये लेडीज ऐसी है ये किसी की सगी नहीं है और जो आप मैं आपको ही कह रही हूँ आप तो आप तो समझ रहे हो ना आप मेरे क्या लगते हो मैं आपको भी कह रही हूँ जि, जिस बंदे का ये नाम ले रही मैं उनको कह रही हूँ मेरी है ना आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप इस पंगे में मत पड़िए ये लेडीज है ना रिकॉर्ड करती है बातों को क्योंकि इसी के कारण मैंने रिकॉर्डिंग करना सीखा है मैं पहले किसी की रिकॉर्डिंग नहीं करती थी लेकिन इसी के कारण सीखा है थोड़ा इससे सतर्क और सावधान रहिए है यह आपका नाम उछाल रही है आपको बदनाम कर रही है बदनाम करने की कोशिश कर रही है और उल्टा सीधा यह आपके बारे में बोल रही है और मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है और जब आप इससे पूछोगे ना आप इससे बात करोगे ना तो ये बोलेगी नहीं मैंने कुछ नहीं किया रोने लग जाएगी आंसू बहाएगी और बोलेगी नहीं मैंने तो किया ही नहीं मैंने तो फोन ही नहीं किया ये झूठी है ये ये है देखना ये ऐसा ही करेगी क्यों हमारे साथ इसने ऐसा ही किया है और ये गाइस जो बता रही हूँ मैं ये स्वामी जी के गांव गए थे उस दिन का दिन है तो स्वामी जी ये सामान लेके आए थे पकोड़ी लाए थे डिग्गी की और ये जोधपुर की मिष्ठान भंडार की मिठाई है और घी के डिब्बे लाए थे तो गांव से आए थे थोड़ा लेट वीडियो अपलोड कर रही हो इसके सॉरी और ये दो दो कटोरी में मैंने भगवान जी के राम भगवान जी के और दयाल महाराज जी के निकाला है और थोड़ी सी मैंने खिचड़ी बनाई है स्वामी जी गाँव जाके आए हैं तो उस वजह से ये स्वामी जी की थाली मैंने परोस दी है क्योंकि स्वामी जी है ना सुबह से ही भूखे हैं उन्होंने कुछ खाया ही नहीं वो बोल रहे थे कि मैंने है ना आ, वो खा ली थी क्या एक कचोरी खाई थी और रबड़ी खा ली थी तो मेरा पेट है ना फुल भर गया था तो फिर मैंने खाना नहीं खाया था नहीं तो वो रस्ते में होटल में खाना खाते हुए फिर जाते हैं जब भी सदरपुरा जाते हैं एक होटल फिक्स कर रखी है वहां पे घर जैसा खाना मिलता है तो वो वहीं पर खाना खा के फिर आगे जाते हैं क्योंकि भूखे पेट भजन न होए और स्वामी जी चाय नहीं पीते ना इस वजह से फिर उनको खाना तो प्रॉपर चाहिए ही चाहिए दही छाछ और सब्जी रोटी उनको मिल जाए उनके लिए काफी है है ना और इस लेडीज के बोलिए आज की इंफॉर्मेशन इतनी ही आगे मैंने एक रिकॉर्डिंग लगाई है वो सुनना और आप लोग जिसका भी नाम मेंशन है वो थोड़ा है ना पेशेंस से सुनिएगा और मैंने रिकॉर्डिंग क्यों डाली है वो भी मेरी मजबूरी है डालना क्योंकि इसकी जो गंदी लैंग्वेज है ना वो आप सबको पता चलनी चाहिए कि इसकी गंदी लैंग्वेज इतनी गिरी हुई लैंग्वेज इसके गिरे हुए शब्द आप सबको पता चलने चाहिए कि ये कैसी लेडीज है कितने गंदे घटिया क्यों गंवा रहे पढ़ी लिखी तो है नहीं ये कानून को क्या है खेल तमाशा समझती है ये कठपुतली समझती है कानून को ये ये नहीं जानती कि कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं है ना ये लेडीज ये नहीं जानती है और ये दो बार क्लिप जुड़ गई गाय सॉरी और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और जिसका भी ये नाम मेंशन कर रही है जो मेरे ससुराल के के पक्ष जो व्यक्ति हैं जिनका ये नाम मेंशन कर रही है आई रियली वेरी सॉरी मैं आपसे माफी मांगती हु कि मैंने ये वीडियो डाला है ये रिकॉर्डिंग डाली है क्योंकि जब तक नहीं डालूंगी आपको पता नहीं चलेगा कि ये औरत आपकी सगी है कि नहीं है और ये आपके बारे में अभी तो केवल एक इतना सा छोटी सी बात डाली है मैंने इसने बहुत बातें करी है बहुत बातें करी है और वो सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है है ना आपकी भी आंखें खुलनी चाहिए कि ये किसी की सगी नहीं है ये दूसरों के द्वारा रिकॉर्डिंग करवाती है ये है ना एक आदमी फांसती है फिर दूसरा फांसती है अभी तीसरा फांसती है फिर चौथा फांसती है इसके बारे में हमने पहले ही सुन लिया था कि ये कहीं पर रखेल रखेल के रूप में इसको रखेंगे और ये वहां पर जाने वाली है रखेल के रूप में इसको रखेंगे अब रखेल क्या होता है मुझे नहीं पता रखेल के रूप में इसको रखा जाएगा और ये वहां पर चौथे व्यक्ति के पास जाएगी अगर ये इतनी सती सावित्री होती ना इतनी संस्कारवान और इतनी ही ये वो होती ना तो गाय ये है ना चौथे के नहीं जाती और अपना जीवन यापन ये अपने बच्चों को देख के मैंने मजदूरी करके और आगे ये करती क्योंकि इसने कई लोगों को है ना फांस फांस के केस कर करके इसके पास खूब पैसा है खूब पैसा है इसका सामान इसने कहीं रख रखा है एक जगह क्योंकि मेरे यहाँ आके इसने फोन किया था तो इसलिए इसका जो पहले वाला पति था ना वो खत्म हो गया उसके बारे में भी मैं बात करूंगी जो इसकी ननद ने मेरी मम्मी को फोन करके बताया ना कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था इसकी खुद की सगी ननद ने मेरी मम्मी को फोन करके बताया था तो कई बातें ऐसी है जो बताने लायक है और वो मैं बताऊंगी और इसने ना मेरे भाई की वाइफ मुझे और मेरी मम्मी को बनाया ना इसकी लैंग्वेज देखिए है यह पढ़ी लिखी नहीं है ना हमारे ना इसलिए इस तरीके की बदतमीज लैंग्वेज जो है यूज कर रही है मेरा है ना समाज के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है ऐसी चरित्रहीन औरतों को समाज से है ना बर्खास्त किया जाए जो ऐसी चरित्रहीन गिरी हुई औरतें होती है ना जो एक दो तीन चार पांच मर्द फांसती रहती है और अपनी बेटियों को बेचती है पांच पांच लाख में है ना और बेटी की अगर शादी कर दी ना तो वो इसको बुरा लग गया शादी नहीं होनी चाहिए क्योंकि पैसा हाथ नहीं लगा इसको पैसा चाहिए पैसा इसको जो पांच लाख हाथ नहीं लगे ना तो इसको गुस्सा देख लपून पप्पू देख ली जिंदगी सरकाल देख लो अब हो जाए

पर माय बहन को खान जे तो हेलो कॉल किसिन जी को फोन आया मारे ने नु का के रामा ने छोड़ दियो तो मरा का तो बेटा ही तो हेलो काई क्या लो काई कर रहे हो ए आवाज देर हो गया तू हेलो छत्रपादा बहन को थारी थारो हेलो